आज की हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू में कल जो गुजर बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई जिसमें जेडीए ने जो गुजर बरादरी के जो शेड थे वो या मकानात थे वहां पे जो उगराए उसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि एक तरफ मौजूदा सरकार जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के गुजरों को हकूक देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है उनको उजाड़ने की बात कर रही है। कई दिनों पिछले सुनते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको नाफज किया है और हमारी हुकूमत ने ये किया है, ये खोखले दावे जम्मू कश्मीर की आज जिस सरकार के जो है वो सामने दिन ब दिन जो है मौजूदा आ रहे हैं। हम ये वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहते हैं कि अगर हमारे गुजर बरादरी या हमारे भाइयों के साथ ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी जगह पर अगर ज्यादती हुई, ऐसी ज्यादतियां जो हो रही हैं ऐसी हुई, तो ऐसे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बिल्कुल सड़कों पर उतरेगी और इस चीज को कभी जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट जो एलजी गवर्नमेंट है वो नाकाम हो चुकी है ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर और हमारे लोगों को जो है बेवकूफ बनाने में लगातार जो है जुटी हुई है। हम वाज़ह अल्फाज में क्या देना चाहते हैं जेडीए को या रियासत जम्मू कश्मीर के हुकूमतनशी साहब को कि ऐसे अगर हमारे लोगों के साथ ऐसे आइंदा हुआ या जो हुआ है उसकी पूरे हम जोर पुरजोर जो है मजम्मत करते हैं कि ऐसे हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे हमें जो है रोडों पे आना चाहे, चाहे हमें गोलियों का शिकार बनना पड़े, मगर ऐसे हम कभी अपनी बरादरी के साथ जो है कभी नहीं होने देंगे जो रियासती हुकूमत कर रही है। लिहाजा हम ये वार्निंग देते हैं एलजी सरकार को, अगर हमारे लोगों के साथ ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने ऐसे जो है सलूक किया तो ऐसा आप ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर बात समझिए मगर हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज चला देंगे। हम वार्न करते हैं ऐसे के जो एलजी है उसको कि अगर ऐसे आपके जेडीए या आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो ऐसे हमारे लोगों के साथ ज्यादती करेगी तो हम कदम जो है वो बढ़ा